नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की एक और अपडेट वीडियो की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर आप लोगों को हर मंथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चल रहा है उसके बारे में आपको पता लगता रहता है। आज हम अगस्त 2023 जो कि लगभग बीतने वाला है तब तक जानते हैं कि बुलेट ट्रेन में कितना काम हो गया है। इससे पहले पिछली वीडियो जो कि जुलाई तक का अपडेट था जिसमें हमने जाना था कि हमारा वायडक्ट जो कि प्लेन एरिया है जिसमें गर्डर रख करके हमारे ट्रैक रखने का काम होगा वो कितना काम कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या कोई नई खबर आई है बुलेट ट्रेन को लेकर के। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम जो है वो गुजरात में चल रहा है। गुजरात में लगभग 348 किलोमीटर का हिस्सा आता है, 156 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में आता है और 4.3 किलोमीटर का हिस्सा दादरा एंड नगर हवेली में आता है, जिसमें गुजरात में फिजिकल वर्क काफी तेजी से चल रहा है। अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक पैकेज 3 जो कि लास्ट पैकेज था इस प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र का, वो अवार्ड किया जा चुका है। 135 किलोमीटर का काम उसमें होना है और C1 पैकेज जो है महाराष्ट्र का उसमें काम फिजिकली तौर पर होने लगा है और C2 पैकेज भी काफी जल्दी ही वहां पर भी काम शुरू हो जाएगा और आपको ग्राउंड पर देखने भी मिलेगा। तो ये सब बात तो रही दोस्तों कितना काम कहां पर क्या हो रहा है। अब जान लेते हैं कि कितना वायडक्ट का काम हो चुका है। जो हमारे पाइलोन खड़े हुए हैं उन पाइलोन की अगर मैं किलोमीटर में बताऊं कितने बिछाए जा चुके हैं तो 200 किलोमीटर से ज्यादा का पाइलोन खड़े करने का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और अब इन पाइलोन के ऊपर गर्डर रखने का जो काम चल रहा है उसमें आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, अब यहां पर अगस्त तक जो काम हो गया है वायडक्ट कंप्लीट होने का वो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। तो दोस्तों 80 किलोमीटर का काम आप मान के चलिए हो चुका है और ये ऑफिशियली हमारे NHSRCL कंपनी ने भी बता दिया है वीडियो के माध्यम से। और ये 80 किलोमीटर जो है दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में 465 किलोमीटर में से हुआ है। 465 किलोमीटर का वायडक्ट यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट में बनने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है। इसमें जो टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, उन सभी का अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो लगभग 465 किलोमीटर वायडक्ट का काम आता है। इस प्रोजेक्ट में 12 स्टेशंस पर काम काफी तेजी से हो रहा है, जिसमें से आप लोगों के सामने ये 5 हाई स्पीड रेलवे स्टेशंस हैं जो कि बुलेट ट्रेन के होंगे, उन पर काम ज्यादा तेजी से चल रहा है। इसमें 100% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनीज को दिए जा चुके हैं, जिसमें 11 कॉन्ट्रैक्ट होने थे इस पूरे प्रोजेक्ट में। इसके साथ में ही आप लोगों को बता दूं इस प्रोजेक्ट के अंदर 24 रिवर ब्रिजेस पे काम चल रहा है, स्टील ब्रिजेस जो है वो 28 है जिन पर काम चल रहा है। ये मैंने आपको गुजरात और दादर नगर हवेली तक का बताया है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 135 किलोमीटर का जो अभी नया नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसमें लगभग 36 ब्रिजेस होने वाले हैं, जिसके अंदर 12 स्टील ब्रिजेस भी होंगे। तो इस पूरे 156 किलोमीटर के महाराष्ट्र का जो काम है इस काम में थोड़ी धीमी गति रही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो कि पहले थी वो नहीं चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से चले महाराष्ट्र में, यही कारण है कि लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें आई। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2023 के अंत तक इस प्रोजेक्ट की एक तरह से डेडलाइन भी थी। जी हाँ दोस्तों, अब वो डेडलाइन इतना दूर कैसे चली गई, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। गुजरात में काम काफी देरी से चल रहा है, तो अब जो नई डेडलाइन है वो 2026 के एंड में मानी जा रही है। यही एक बड़ी नई न्यूज़ है जो निकल के आई है। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 2027-28 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। तो 2026 में जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का फेज वन जो है उस पर काम कंप्लीट होके उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जैसे हमारे देश का पहला RRTS रैपिड एक्स प्रोजेक्ट जो है उसका 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन पहले खुल रहा है 2023 में 2025 के बजाय, तो ऐसे ही बुलेट ट्रेन का भी फेज वन पहले खुल जाएगा जो कि 2026 में ही आपको एंड में मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी अपडेट, और साथ में आप लोग जो बैकग्राउंड में वीडियो देख पा रहे हैं ये अभी हाल ही में NHSRCL ने अपडेट किया है और आप लोग इसको देख लीजिए कहां तक ये दिखा रहे हैं कि काम कंप्लीट हो रहा है आगे चलते चलते। और बाकी मेन हेडलाइंस तो आपने जान ही ली हैं, 80 किलोमीटर का वायडक्ट का काम, पाइलोन का वर्क जो है वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो चुका है, और इसके अंदर जो डेडलाइन है वो अब 2026 के मिड में लगभग बताई जा रही है कि काम कंप्लीट होने की अनुमान है फेज वन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।